हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वॉल स्टेंसिल डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो वॉल है जिस पर हम वॉल स्टेंसिल डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम वॉल स्टेंसिल डिजाइन बनाने के लिए हम अपना जो पेंट है उसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 1 लीटर का वाइट कलर पेंट है। और दोस्तों ये पेंट जो है वाटर वाटर बेस्ड पेंट है। और इसका जो देख सकते हो ये जो बर्जर कंपनी का पेंट है वेदर कोट ग्लो, ये दोस्तों एक्सटीरियर पेंट है लेकिन हम इंटीरियर वॉल पे इसको लगा रहे हैं। तो बर्जर का बहुत ही बढ़िया पेंट है और इसमें 5 ईयर की वारंटी भी यहाँ पे दिया गया है और बहुत ही बढ़िया पेंट है। तो चलिए दोस्तों हम इससे जो है वॉल स्टेंसिल डिजाइन तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास है स्टेंसिल डिजाइन और दोस्तों ये जो डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। और आप देख सकते हो इसमें 2 तरह के डिजाइन दिया गया है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। हम जो भी हमारा जो साइज है उसको हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और डिजाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्टेंसिल का चारों कोना है उस पर हम मास्किंग टेप लगा रहे हैं ताकि दोस्तों दीवार पे इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी बने। और दोस्तों इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाएंगे कोई सा भी किसी भी को अगर आप पकड़वा के स्टेंसिल डिजाइन बनाते हो तो ये जो है हिल सकता है और जो है आपका डिजाइन जो है पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम इस पर मास्किंग टेप लगाए हुए हैं ताकि दीवार पे अच्छे से चिपक जाए, उसके ऊपर हम रोलर लगा के दोस्तों ये डिजाइन जो है निकाल सके। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है फोम रोलर और बहुत ही बढ़िया होता है ये रोलर इस डिजाइन को तैयार करने के लिए। तो आप देख सकते हो हम जो है हल्के हल्के कलर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोलर पे, हमें ज़्यादा कलर नहीं लेना होगा। अगर हम ज़्यादा कलर लेते हैं तो ये जो स्टेंसिल डिजाइन है उसके अंदर से कलर बह जाता है और जो हमारा डिजाइन है वो थोड़ा सा भद्दा लगने लगता है। तो इसलिए हम इस पर बहुत ही कम कम कलर लेके इसको पेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो फर्स्ट स्टेंसिल डिजाइन है वो निकल चुका है और उसके जस्ट बगल में हम एक और डिजाइन देंगे। दोस्तों 8 से 10 सेंटीमीटर के वाइट पे हम इसको फिर से रखे हुए हैं, उसके बाद हम फिर से इसको पेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो डिजाइन है इसमें 2-3 तरह के पैटर्न हम बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी वॉल स्टेंसिल डिजाइन से न्यू पैटर्न बना के निकालने वाला हूं। तो आप देख सकते हो ये जो है सिंपल पैटर्न है, जस्ट हमें इसके नीचे में फिर से देना होगा और थोड़ा सा इसमें हमें गैप छोड़ना होगा 8 से 10 सेंटीमीटर, जो कि पूरा बनने के बाद में काफ़ी बेहतरीन लगेगा। आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वाला स्टेंसिल डिजाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए,